अपडेट आपको दे रहे हैं। 1 से 2% बदल सकता है आरक्षण। आपत्तियों के निस्तारण के बाद काम पूरा हो चुका है। आज देर शाम तक अंतिम जो अधिसूचना है आरक्षण की वो जारी हो सकती है। अधिसूचना आज जारी हो सकती है। चुनाव कार्यक्रम को लेकर ये पूरा जो ब्यौरा है वो सोमवार तक आने की संभावना है। निकाय चुनाव से जुड़ी हुई है बड़ी अपडेट। आज देर शाम तक अंतिम अधिसूचना जारी हो सकती है आरक्षण की और चुनाव कार्यक्रम की घोषणा सोमवार तक होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी खबर। एक तरफ राजनीतिक दल अपनी तैयारियों के साथ रणनीति बना रहे हैं, वहीं 1 से 2% आरक्षण बदला जा सकता है। आपत्तियां तमाम आई थी जिसके बाद निस्तारण का काम पूरा हो चुका है, प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और आज देर शाम तक किसी भी वक्त अंतिम अधिसूचना जारी हो सकती है आरक्षण को लेके। यूपी निकाय चुनाव मामले से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की। 1 से 2% बदल सकता है आरक्षण, क्योंकि देखिए विपक्षी पार्टियों ने भी, खासतौर से समाजवादी पार्टियों ने पार्टी ने भी लगातार आरोप लगाए थे, अपील भी की थी चुनाव आयोग से। अनूप इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अनूप, और क्या जानकारी आपके पास इस अधिसूचना के बारे में? देखिए बिल्कुल, निकाय चुनाव को लेकर के जो है उत्तर प्रदेश की बात करें तो बिल्कुल जो है पहले ही बच चुका है और आरक्षण का जो पेच फंसा था उसके बाद अभी हमने देखा कि किस तरह से कोर्ट ने जो है इस पर सरकार से जो है जवाब तलब भी किया और सीधे तौर पे आदेश दिया गया था। तो अब इस ये जो अधिसूचना है, इसके बाद जो सारी पार्टियां हैं, चाहे सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, सभी अपनी अपनी जो तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी हुई हैं और सभी का ये तर्क है, सभी का अपना अपना कहना है, दावा है कि उत्तर प्रदेश में जो निकाय चुनाव है उसमें वो बेहतर करने वाले हैं। अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी का जो रिकॉर्ड है वो बहुत ही शानदार रहा है निकाय चुनाव में। अधिक से अधिक सीटें वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी के पास भी जो है काफी बड़ी संख्या में जो है निकाय चुनाव में उनके तमाम जो प्रत्याशी थे वो जीत करके आए थे। ऐसे में ये जो हंगामा है, ये जो घमासान है, वो निकाय चुनाव को लेकर के मचा हुआ है और यही वजह है कि अब अच्छा, ये जो अनूप ये जो बदलाव होगा ये कितने हद तक प्रभावी होगा? देखिए बिल्कुल, जो बदलाव होगा उसका प्रभाव जो है वो काफी हद तक दिखाई देगा और इसी के तहत जो है सभी पार्टियों को आगे बढ़ना होगा। बहुत शुक्रिया अनूप जानकारी देने के लिए।